समझ आ गया। अच्छा मजेदार बात ये होती है साहब कि इस फेज में क्या ना अच्छे अच्छे लोग बोले और भाई ये कैसा चल रहा है अपनी कामयाबी है। और मेरे मेंटर कहते हैं कि किसी को जलील करने में ज्यादा क्या है 500 रुपए का मिठाई का डब्बा। नेक्स्ट स्टेज क्लियर करो और सीधा पहुंच जाओ उसके घर 500 रुपए का डब्बा। बोले तूने बोला था बिजनेस कैसा चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है और इस साल कितना कमाया ले मिठाई का, और दूसरे साल कार लेके जाओ और मिठाई का डब्बा, और फिर तीसरे साल तीसरी कार लेके जाओ अच्छी वाली फिर मिठाई का डब्बा। और उसे इतना जलील कर दो कि हर साल उसे बताओ कि अच्छा चल रहा है बिजनेस। फिर वो पता क्या कहेगा, यार तू सही था मैं गलत था भाई और माफ कर दे। सो द बेस्ट रिवेंज इज गेट सक्सेस। ओके, और खुद अगर मैं पीपीटी भी डाउन करूंगा तो मैं डेस्कटॉप में रतन टाटा जी की फोटो लगाता हूँ, डेस्कटॉप दिखा देना। मेरे लैपटॉप में हमेशा रतन टाटा जी की टेस्ट वो रहती है और मैं बार बार इस चीज को पढ़ता हूँ सर जितनी बार मैं अपना लैपटॉप। कई लोगों ने फिर से एक्सपर्ट ओपिनियन दी, लेकिन अब वो एक्सपर्ट ओपिनियन काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी 18 साल थी, अब मैं कितना साल का हूँ 32 साल। उस समय मैं बिजनेस को पढ़ा नहीं था, इतना साइकोलॉजिकल स्टडी मैंने की नहीं थी, लेकिन अब मैं ट्रेंड माइंड हूँ। तो लोगों ने मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन देनी शुरू की, देहरादून में तो नहीं चले। तो मैं क्या करता था, 10 लोगों से पूछता था, ध्यान देना 10 लोगों से पूछता था, और वो 10 लोग दुनिया के सबसे अनसक्सेसफुल लोग होते थे। समझ में आ रहा है? कैसे लोगों ने की सबसे अनसक्सेसफुल आपके रिश्तेदार में, उनको जाकर बताओ भैया ऐसा काम शुरू करो पक्का मना करे खुश हो जाए। फिर दूसरा वो भी बोलेगा अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने भी शुरू किया था मेरे संग चला। फिर तीसरा जब 9 बोल देना ये खराब है, समझ जाना सही है, तुम सही हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते नहीं थे मैं सक्सेसफुल। तो मैंने 10 लोगों को पकड़ा, मैंने बोला जरा तुम जा रहा हूँ ऐसा ट्रेनिंग कंपनी का, तुम्हें तेरा दिमाग खराब है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली में चलता है, गुजरात में चलता है, महाराष्ट्र में चला जाएगा तो देख वहाँ ना तेरे को 6 लाख की बात करो तेरे को 12 लाख मिल जाएगा, तो इतना अच्छा स्पीकर है कौन तेरे को समझाएगा उधर जा करके। हाँ ठीक है भाई। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है 10 अनसक्सेसफुल लोग पकड़े और फिर कुछ एक्सपर्ट लोग पकड़े जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल लोग। फिर मैंने उनसे राय ली, मैंने कहा मैं देहरादून जाऊँगा मतलब बेस्ट। मैंने कहा सर बेस्ट क्यों? कह रहा हूँ डेवलपिंग फेज में लाता है, आप समझ विजन देखो। यूएसए की कंपनियां सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी कंपनी हमारी कंट्री डेवलपिंग फेज में। भाई बिजनेस वही बनाता है जहाँ डेवलपिंग हो रहा हो, जहाँ डेवलप हो चुका है वहां का कंपटीशन पहले से ही स्टार्टअप हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसी स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा जहां पर लोग कुछ चिढ़ाएंगे भी। और इस स्टेज में फिर से चले जाओ, इस स्टेज में सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, जो आपका सबसे निकटतम व्यक्ति होगा वो आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। ये भी इस स्टेज की बड़ी अच्छी बात है। 0 to 2 आप समझ लो, जो सबसे निकटतम व्यक्ति होगा वो विश्वास नहीं करेगा। अगर विश्वास करता तो बड़ा खुशनसीब आदमी है आपको। फिर तो आपने जो है पिछले दिनों में कोई पुण्य काम किए, ठीक है। जैसे ही आप जब 2 साल पार कर लेते हो, कैसे ना कैसे ये ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता पार कर लेते हो आप, ठीक है। ये अगर ये लाइफ साइकिल समझ में आ गया ना, बिजनेस लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफ लाइन समझ में आ गई आपको, तो जो दिक्कत है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मेंटली प्रॉब्लम, ये जो पैच है और ये जो चीजें आपके अंदर आ रही है ना, ये सब गायब हो जाएगी। एक्चुअली कोई डॉक्टर आपको अभी तक नहीं बता बताने वाला मिला था कि सब नॉर्मल बातें, और क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि नॉर्मल बातें हैं तो लोग क्या करते हैं 2-3 साल में प्लास्टर को झेलते हैं और 1.5-2 साल के अंदर तो बोलते नहीं मिले आपको बहुत और फिर दोबारा 10 से 6 के। तो ऐसे स्टेज से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन 2 साल के ऐसे नहीं कैसे ये अनकॉन्फिडेंट स्टेज आपने जैसे ही गुजार लिए तो 2 से 5 में जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा
जैसे आप टू ईयर्स क्रॉस कर लोगे, सेकेंड ईयर क्रॉस कर लोगे, थर्ड ईयर में पहुंचोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार इन दो सालों में जैसे तैसे मैंने कमरे ऑफिस से किराया भी दिया, ऑफिस से खर्चे भी निकाले लिए, बीवी बच्चों को थोड़ा बहुत पाली लिया, समझ में आ गया, कुछ ना कुछ करके गाड़ी तो चली दिए, तो जब चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है। बात समझ में आ गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा सब आप बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दो। अब आप ध्यान से बिजनेस करना शुरू कर दो, और यहां पर मैंने बताया इन दोनों फेजेस में, यानी कि पहले जीरो से लेकर के पांच साल तक आपकी स्टेज कैसी रहती है बिजनेसमैन की, वन मैन आर्मी लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, जैसे मैं बता रहा वन मैन आर्मी। अब यहां पर अगर भी आप बोलोगे ना मार्केट में जा रहे हो आप मार्केटिंग करने के लिए, और आप बोलोगे बोलोगे कि आई एम द फाउंडर सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो लोग हंसेंगे आपसे, चप्पल आदमी में आया सीईओ, तू सीईओ, तो आपको एक बात बताया तो साहब धीरू भाई अंबानी की बात हो जरा ध्यान से सुन लेना, धीरू भाई अंबानी ने शक्ति कॉर्पोरेशन से अपनी क्या कंपनी स्टार्ट की थी कपड़ों की, और धीरू भाई अंबानी ऐसे गट्ठा लेकर के मुंबई की गलियों में जाते थे और कहते थे ये इंडिया का सबसे बेस्ट कपड़ा है, खरीदोगे तो 50-50 प्रॉफिट, और नहीं अगर जो लॉस होगा तो सिर्फ मेरा, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा, और नुकसान होगा तो सिर्फ मेरा। तो बोलते थे कंपनी कौन है, बोला शक्ति कॉर्पोरेशन, बोला कौन मालिक, बोला मैं, बात समझ लो, लोग हंसते थे क्या थे, ठीक है, लेकिन एक जज्बा, उसके बाद वो वहां पर, यानी कि यहाँ पे आपको वन मैन आर्मी की तरह काम करना हो। अब यहाँ पर भी हमारा यूथ जो है ना बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अब वो कहता है विजिटिंग कार्ड में क्या बताऊं, मेरी कंपनी है क्या, मेरे को तो शर्म आ रही है बोलते। अब इस स्टेज में आपकी ऐसी नौबत आएगी नहीं कि आपको एम्प्लॉय रख सके, अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो भरोसेमंद एम्प्लॉय होना चाहिए इस स्टेज में, ये मैं पहले बता दूँ, और भरोसेमंद आदमी आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ेगा। अच्छा, वन मैन आर्मी की तरह काम इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, बात समझ लो, जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा रिवेन्यू होगा, और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही घर से बाहर से सारे के सारे आपकी हंसी उड़ा रहे होंगे, बात के लिए हो रही है, तो आपका अंदर का जो इंसान है वो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लग जाता है, कुछ उठने लग जाता है, और फिर आप कहते हैं कि भैया वही सही थे 10 बजे से 6 बजे तक। और ये करने से तो अच्छा है बेरोजगार रहना, कम से कम घर वालों को ये तो कहेंगे कि भैया पढ़ लिख के अगर नौकरी नहीं मिलती, और फॉर्म भर रहा हूं तैयारी कर रहा हूं 2-4 साल और इसी में निकाल हो जाए, बात समझ लो बेटा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी,